तो आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं लास्ट डे रूल्स ऑफ सर्वाइवल। एंड इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले एक घर, एक नया घर। ऑब्वियसली सर्वाइव करने के लिए, बिना घर के हम थोड़ी सर्वाइव कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं रात पे इस गेम के अंदर स्पॉन हुआ था एंड रात में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि रात में दिखाने के लिए वैसे कुछ है नहीं। मैंने जितने भी सारे वुड चाहिए थे वो सब इकट्ठा कर लिया एंड कुछ बेरीज इकट्ठा कर लिया, बस यही। एंड एक और बात, मैंने एक प्लेयर को भी मार दिया, लेकिन उससे बड़ी बात क्या है, मुझे उस प्लेयर के अंदर से उतनी ज़्यादा अच्छी लूट नहीं मिली। बट स्टिल चलता है, बंदा बाहर सोया था, अपने घर के बाहर सोया था, ऐसा कौन करता है यार, अपने घर के बाहर कौन सोता है। तो मैंने ये जगह डिसाइड कर लिया है, यहाँ पे मैं अपना घर बनाऊंगा। तुम लोगों को कैसा लग रहा, तुम लोग कमेंट में बताना। लाइक ये जगह काफ़ी सही है, मतलब हाँ यहाँ से मैं वुड भी ले लेता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारा वुड है, बट स्टिल थोड़ा सा ऑलरेडी में क्या जाता है। ओके 300 वुडों में मेरे पास आ गया। एंड ये देखो, ये सल्फर, इससे ना हम चीज़ें वगैरह मतलब दूसरी चीज़ें बना सकते, तो ये भी काम का है। एंड जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, सामने एक और बंदे का घर है, यानी कि वो मेरा एनिमी है, तो उसके बगल में मतलब उसके बिल्कुल सामने बनाऊंगा। एंड फिर जब मेरा घर बड़ा हो जाएगा ना, तब इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, सोते हुए उसके मतलब मार दूंगा मैं इसको, तुम पूछो ही मत। ओके तो अपना घर का बेस हम लोग बनाएंगे, आई थिंक कौन सा जगह बनाओ यार, ये जगह बढ़िया है इधर, एंड इसका दूसरा वाला बेस इधर, तीसरा वाला इधर, चौथा वाला यहाँ पे नहीं लगने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाजू में हम लोग एक लगा देंगे, ये आ गया, लग जा भाई, और ये भी आ गया। ओके तो अपने घर का बेस कंप्लीट है, मैं इतना ही रखने वाला हूँ, इससे ज़्यादा बेस मैं नहीं बनाने वाला। ज़्यादा बड़ा घर रखूँगा तो ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा होगा, क्या ज़रूरत है भाई, तुम ही बताओ। ओके तो घर में घुसने के लिए एक सीढ़ी भी हम लोग लगा देते हैं, जो कि आधे से ज़्यादा तो भाई ज़मीन के अंदर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर घर के अंदर भी वॉल्स बनाते हैं। अब देखो वॉल हम लोगों को एकदम मस्त वाला बनाना पड़ेगा, एंड मैं घर को ट्राई करूँगा मैं सेकंड फ्लोर भी बना सकूँ। वेल यहाँ पे खिड़की वाला है, बट स्टिल मैं खिड़की वाला नहीं लगाऊंगा यार, बताएं बंदे कूद के आ जाएंगे अंदर, नहीं लगाना। इधर लगाते हैं हम ये नॉर्मल वुड वाले वॉल्स, एंड मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हम लोग एक खिड़की वाला लगा देते हैं, क्या पता हम लोग को ही काम में आ जाए। मतलब रोशनी वगैरह आने के लिए एक अच्छा सा खिड़की तो होना जरूरी है ना, एंड ये वाला भी हम लोग यहाँ पे खिड़की लगा देते हैं, ताकि हम लोग अपने एनिमी को निहार सके इधर से। इधर हम लोग नॉर्मल वाला वॉल लगाएंगे, एंड ये हो गया अपना कम्प्लीट। एंड इधर हम लोग को बस लगाना है एक डोर। ओके तो एक सिंगल डोर वाला ही हम लोग लगाते हैं, एंड स्टिल अभी, अरे यार छत तो बनी ही नहीं, अभी तो छत भी बनाना है, तो एक काम करते हैं पहले हम लोग छत भी बना लेते हैं। आई थिंक मुझे ये वाला यूज़ करना चाहिए। ओके तो यही वाला यूज़ करते हैं। ये एक और आ गया, ये भी एक और आ गया, लग जा यार, मेरे पास तो बहुत सारे वुड है पर ये लग क्यों नहीं रहा, पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम है। ओके तो अभी यहाँ पे हम लोग को ऊपर जाने की सीढ़ी बनानी है, बट मैं अगर यहाँ पे ये बना दूंगा तो प्रॉब्लम होगी कि ऐसे से लग रहा है लेकिन। ओके बट अभी मैं ऊपर कैसे जाऊँगा यार, इसके लिए तो मेरे को ये तोड़ना पड़ेगा। बस रूफ़ नहीं है, रूफ़ को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये मेन चीज़ है। एंड इसके साथ हम लोग को मिल चुके स्लीपिंग बैग, सोने के लिए हम लोग को बैग मिल चुका है। भाई बेड देते तो बढ़िया होता, बट पता नहीं क्यों इन लोगों ने बैग ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बैग के अंदर, बैग के अंदर, बैग क्या होता है भाई, बैग के अंदर हम लोग सोएंगे। एंड हम लोग कुछ कैबिनेट मिल चुका है, एंड इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। इसके अंदर ना हमें मेंटेन, घर को मेंटेन करने के लिए चीज़ें मटेरियल्स रखना पड़ता है, बहुत सारा रखना पड़ता है। जितना ज़्यादा रखोगे उतने टाइम तक तुम्हारा घर मेंटेनेंस पे रहेगा। एंड स्टिल अभी मेरे घर को आई थिंक इसको मैं तोड़ सकता हूँ, डिमोलिश। ओके तो ये टूट गया फाइनली, अभी मैं अपने घर के ऊपर आ सकता हूँ। एंड अभी इसका रूफ अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ, ये इसको इधर लगाना है, एंड ये हो गया कम्प्लीट। एंड एक और मुझे लगाना है इधर, एंड ये हो गया अपने घर का सेकंड फ्लोर भी कम्प्लीट। बट स्टिल यस ऐसे रहने देते हैं, अभी इधर हम लोग को बस एक वॉल लगाना है इधर एक, एंड अरे यार इधर नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं तोड़ दूँ क्या, मैं सोच रहा हूँ इसको ना काम करते तोड़ ही देते हैं। इधर हम लोग लगा देते हैं एक वॉल, जो कि बहुत सही लगेगा देखने में। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ये वाला लगाते हैं, एंड ये वाला भी, क्योंकि ऊपर से थोड़ी कोई टाप के आएगा। इधर हम लोग ये वाला रखेंगे, इससे अपने घर में रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगी। एंड ओके इधर भी हम लोग ये वाला लगा देते हैं, एंड इधर सामने मैं सोच रहा हूँ चारों तरफ यही वाला लगा दूँ, क्योंकि यू नो सेकेंड फ्लोर से कौन टाप के आएगा मेरे घर में, मैं एकदम डबल सिक्योरिटी करके रखूँगा मेरे घर को। वेल अपना घर का सेकेंड फ्लोर भी हो चुका है कम्प्लीट, अभी हम लोग को बस ऊपर एक। ओके तो इसी के साथ अपना घर का रूफ हो गया है कम्प्लीट, एंड अभी बस हम लोगों को कुछ चीज़ें रखनी है। लाइक यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर मैं जितने सारे मेरे मटेरियल्स है वो उनमें से कुछ कुछ मैं इधर रख देता हूँ। लाइक अब देखो मेरे पास लगभग 1500 या फिर 1600 वुड्स हैं, इसमें से अगर मैं 500 भी रख देता हूँ ना तो भी मेरे घर बहुत टाइम के लिए मेंटेनेंस में रहने वाला है, लाइक तुम लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग इसके साथ साथ कुछ और मिल चुका है, एंड ये अभी 62 आवर्स के लिए मेंटेन पे है, तुम लोग जैसे कि देख सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। 62 आवर्स के लिए मेंटेन करना मतलब बहुत दिन तक मेरे चल जाएगा।
तो अभी हम लोग और क्या करना पड़ेगा, हम लोग इधर एक कोड लगाना पड़ेगा ताकि कोई एनिमी या फिर मेरा ही कोई दोस्त इसके अंदर घुस ना सके, मैंने लूट ना ले सके, क्योंकि एक लो वर्क बेंच मिल चुका है जिससे कि हम लोग क्राफ्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। अब देखो इस गेम के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलता, हमें सभी पार्ट्स इकट्ठे करने होते हैं, गन्स भी खुद ही बनाने होते हैं, इवन व्हीकल भी खुद ही बनाने होते हैं, तो सोच सकते हो कितना ज़्यादा क्रिएटिव गेम है। तो इसको मैं ना सेकेंड फ्लोर पर रहता हूँ क्योंकि नीचे वैसे ही जगह कम है यार, सेकेंड फ्लोर पर चलो। ओके तो मैं सोच रहा हूँ इसको एकदम रोशनी वाले खिड़की बगल में रखेंगे। ओके इसके साथ हम लोग कुछ और मिल चुका यार, मैंने देखा ही नहीं सही से, पता नहीं यार मैं इन सब चीज़ों को स्किप क्यों कर देता हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके तो हम लोग एक रिवॉल्वर बनाना है जिसके लिए मुझे नहीं पता कैसे बनाना। ओके तो यहाँ पे टैप टू ओपन क्राफ्ट एंड यहाँ पे एक रिवॉल्वर एंड यहाँ पे क्राफ्ट, मतलब इसके लिए हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ अरे यार ऑलरेडी मेरे पास थी, यहाँ से हम लोग पैंट शर्ट सब कुछ बना सकते हैं भाई, यहाँ पे चेस्ट भी बना सकते हैं, फर्नेस वगैरह सब कुछ है। ओ वाह फिर तो मज़ेदार वाली बात है भाई, यहाँ पे ये सभी मटेरियल की ज़रूरत होती है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हमें मैप के अंदर मिल जाता है, बस थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ओके तो अभी थोड़ा सा नीचे जाया जाए एंड मैं यू नो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश, भाई मैं बाहर आ सकता हूँ यार, फिर इसका फ़ायदा ही क्या भाई, एनिमीज तो एकदम आराम से मेरे घर में घुस जाएंगे भाई, इसको ना पहले हटाना पड़ेगा एंड इससे भी मैं बाहर निकल सकता हूँ भाई, ये थोड़ी ना बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है यार, क्या मैं अगर मुक्का मारूंगा तो मेरे घर को डैमेज होगा, होना तो चाहिए भाई, यहाँ पे हेल्थ बार दिखा रहा है एंड इससे मैं अंदर जा सकता हूँ, भाई अंदर भी आ सकता हूँ भाई, एनिमीज तो ईजिली आ जाएंगे, मुझे इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, फटाफट से तोड़ना पड़ेगा। ओके तो इसको तोड़ के हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वाला वॉल लगा देते हैं ताकि अपने घर में सिक्योरिटी बनी रहे, एंड इसको भी हम लोग को तोड़ना पड़ेगा भाई, मैंने पहले ही क्यों नहीं सोचा ये चीज़। ओके तो इसको तोड़ते हैं एंड इसको हम लोग इधर लगा देते हैं एंड अभी अपना घर एकदम फुल सिक्योर हो चुका है, अभी बस इसको अपग्रेड करना है स्टोन से। भाई मैप पे तुम लोग देखो यहाँ पे आसपास में एनिमीज एंड वो कार लेके घूम रहे हैं भाई, सब वो देखो यार, वो मेरे को देखना ले, मेरे को छुपना पड़ेगा, छुपो, एक काम करते हो इधर लेट जाता हूँ। ओके आई थिंक अभी वो मेरे को नहीं देख सकता है भाई, जब उसके पास कार कैसे आई, आई थिंक उसने गाइस क्राफ्ट की है भाई, वो कितनी तेज जा रहा है भाई, कार होता तो सही होता, मैं बहुत तेजी से फुल मैप को एक्सप्लोर कर पाता, बट कोई दिक्कत नहीं हम लोग बनाएंगे ना। ओके तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर चल के अपने घर का लुक देख लेते हैं कि अपना घर कैसा दिख रहा है गाइज, एंड यू नो ये थोड़ा सा डेजर्ट टाइप इलाके में मैंने बनाया क्योंकि यहाँ पे एक एनिमी है मेरे अगल बगल में एंड मुझे नहीं लगता बाद में वो मुझे प्रॉब्लम करेगा, बट सिर्फ अपना घर एकदम बेसिक सा है, इसको मैं बहुत जल्दी अपग्रेड भी करने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो, उसके लिए बस मुझे थोड़ा सा एडवेंचर पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा एंड दैट्स इट। अगर तुम लोग इस वाले वीडियो में मजा आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।